कमलनाथ जी, क्या हो रहा है ये? क्या मध्य प्रदेश में ऐसा गुंडा राज चलेगा पुलिस का? झूठा अपराध पंजीकरण करवा दिया, डकैती की धाराएं लगा दी, और तब से प्रार्थी परेशान है कि जब ये चोटे नहीं है इसको तो मेरे ऊपर लगी धाराएं हटाई जाए, मुझे न्याय दिया जाए। इतना जरूर किया कि एसपी भिंड ने संजय सोनी और रोहित गुप्ता को लाइन अटैच कर दिया। दवाओं में जब ये देखा कि मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट अलग है, लेकिन उनमें से एक संजय सोनी को फिर से पदस्थ कर दिया गया। अब ये बच्चे मेरे साथ बैठे, मैं गया था तो ये फूट फूट के रोए जब मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के दौरे पे गया था भिंड में। तब मैंने कहा था कि नहीं, आओ आज हम डीजीपी आईजी से बात करेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से अपील करता हूं, क्या वो पुलिस की ऐसी गुंडागर्दी का समर्थन करते हैं? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको झूठी धाराओं में फंसा के डकैत करार दे दिया जाएगा? ये हो क्या रहा है कमलनाथ जी? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे न्याय की मांग करता हूं, और मैं इतना भी कहता हूं कि प्रार्थी पर से झूठी धाराएं अगर रक्षपाल से नहीं हटाई गई, उसके परिवार के लोगों पर धाराएं लगा दी। ऐसा तो कभी जुल्मी राजाओं के जमाने में भी नहीं हुआ। मैं डीजीपी से भी बात करूंगा, और इस परिवार को अगर न्याय नहीं दिया तो हम मजबूरन सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इन बेटियों के आंसुओं की कीमत जिनने इनको पिता को मारा उनको चुकानी पड़ेगी। लोकतंत्र में यह नहीं हो सकता, और हम इस घटना पर चुप नहीं बैठ सकते। तत्काल झूठे प्रकरण हटाए जाए, झूठी धाराएं हटाई जाए, रक्षपाल को रिहा किया जाए, और रोहित गुप्ता जैसे पुलिस के ऐसे लोग जो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर बेटियों चिंता मत करो, न्याय दिलाने की भरसक कोशिश करेंगे, नहीं तो हम लड़ेंगे। मुझे लगा कि ये घटना ऐसी है जिसने मुझे व्यथित कर दिया, इसलिए मैंने आज मीडिया के माध्यम से भी अपील की है। और मैं मानता हूं कि मीडिया का भी ये धर्म है, ऐसी घटनाएं अगर हो तो उन घटना को लोकतंत्र में सामने लाए ताकि जन दबाव भी बन सके।